आप इस देश के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? जो देश आपको रोटी खिलाता है, जिस देश के आप कपड़े पहनते हैं, जिस देश का पोस्ट खाते हैं, उसी को गाली देते हैं, जिस भारत में महात्मा गांधी के बाद बहुविवाह के नाम पे महिलाओं का शोषण करते हैं, वो एक गांधीवादी मुसलमान है। कोई अमल लाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने आतंकवादियों को पैदा किया है, आइए सारी जैसी संगठनों को पैदा किया है। चलिए मौलाना नदीमुद्दीन देखिए, महात्मा गांधी के बराबर है जाकिर नाइक, यहाँ तुलना भी हो गई है, मौलाना नदीमुद्दीन को भी आइए, ये वैसे मौलाना साहब का वकील है, बताइए मौलाना नदीमुद्दीन मौलाना साहब उनकी बोलती बंद कर दी मैंने, मौलाना नदीमुद्दीन महात्मा गांधी के बराबर है जाकिर नाइक, आपके उधर नागपुर में पुजारी है ना, जाके उनको उनके तलवे ना चाटें आप। देखिए सुनिए, नहीं सुनिए सुनिए, ए माजिद हैदरी, आज सुअर के जैसा खामोश बैठो, बात सुनो, तुमको बात करने का ढंग नहीं है, शब्दों पर सही बेवकूफ कहेंगे, बात सुनो शब्दों पर सही, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, पहले की मर्यादा रखो बदतमीज इंसान, आरएसएस के बात करने का तरीका सीखो, बोलो दो टके की औकात नहीं है तुम्हारी, बदतमीज इंसान, बेशर्म इंसान, बात करने की तमीज, अबे गधे सुन, गधे कहेंगे सुन, मेरे रहो, अरे जाओ दफा हो जाओ, नेपाल में रहो, म्यांमार में रहो, तेरा जैसा गधा जलील इंसान, तुझे क्या मालूम है बदतमीज इंसान, जलील जलील हरामी, खामोश बैठ, शब्दों की मर्यादा, मुसलमानों का हराम खोर कहेंगे, उल्लू का पठा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, माफी चाहूंगा इन शब्दों के इस्तेमाल, पहले गाली दी हराम खोर ने, उल्लू का पठा कहीं का, बुजुर्ग है अपने, देखिए देखें इसने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, पहले सुअर बोल रहा है फिर कुछ बोल रहा है, मुसलमानों का झगड़ा, इसको मुसलमानों का झगड़ा, बदतमीज इंसान को, आरएसएस का टट्टू, बकवास मत करो, बात सुनो, सुनो चुप करो, बदतमीज इंसान, बेशरम, दो भाई हम, ओ चलो भगवा मौलवी, रमजान के मुबारक पाक महीने में है शब्दों का इस्तेमाल, ध्यान दे थोड़ा, तो ये इस भगवा मौलवी को सिखाएं जिसने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया इस डिबेट पे, बदतमीज इंसान, मौलाना नदीमुद्दीन बकवास ना करे, और माजिद हैदरी जाकिर नाइक के चेले हैं और उनके हिसाब से भगोड़ा जाकिर नाइक की वही हैसियत होनी चाहिए जो इस देश में महात्मा गांधी की है, दुनिया में महात्मा गांधी की है, आप क्या कहेंगे, मौलाना नाइक का चेला होने का गर्व करता हूं, गर्व महसूस करता है देश का हर मुसलमान, नहीं पूरे विश्व का हर मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक पे गर्व महसूस करता है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमन सिखाया है, शांति सिखाई है, और जाकिर नाइक कभी भगोड़े हो गए, क्या नहीं है, और उसके बाद भगोड़े हो गए, अरे सुनिए देखिए सुनिए, भगोड़े नहीं हो गए, मैंने आपको कल भी कहा उनने वो शरणार्थी बने हैं इस वक्त, शरणार्थी नहीं आने देना चाहते, चलिए कोई बात नहीं, सीए का विरोध करके, मौलाना जी अपनी बात कंप्लीट करिए, छोड़िए ना आप, माजिद भाई बोलते रहते हैं, छोड़िए आप अपनी बात कंप्लीट करिए, वो कह रहे हैं कि जाकिर नाइक की वही हैसियत है इस देश में जो महात्मा गांधी की, हमारे बापू राष्ट्रपिता, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनिए, जाकिर नायक, सुनिए जाकिर नायक हो या जफरुल इस्लाम हो, हमारा झगड़ा देश की सरकार से हो सकता है, आरएसएस से हो सकता है, भाजपा से हो सकता है, मगर हम अपने मामले को दूसरे मुल्क में लेकर के जाएंगे, इसकी मैं निंदा करता हूँ, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के संविधान को फॉलो करते हैं और हम इस देश के संविधान पर चलते हैं, जाकिर नाइक क्या कहते हैं, जफरुल इस्लाम क्या कहते हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं है, हम अपने मामले को भारत के अंदर हल करेंगे, अगर हमारा झगड़ा आरएसएस से है तो हम सीधा कहते हैं कि आरएसएस को हम कंडम करते हैं, भाजपा को कंडम करते हैं, मगर हम अपने मामले को अरब के अंदर, अरब के बीच में नहीं ले जा सकते हैं, दुबई में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, नहीं के पास चलता हूं, ले जा सकते हैं, मुझे बताइए कहा जाता है मुसलमानों को किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहते हैं रोजा कबूल नहीं करता परवरदिगार, जी दीपक भाई ये कहा जाता है कि रोजा मतलब हर चीज का रोजा है, आप
जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी की तरफ गंदी नजर से देख रहे हैं, हर चीज का रोजा होता है, मगर यहाँ पर ये नेशनल चैनल पे बैठ करके इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं और इस तरह से पूरा देश देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से लोग इस्लाम के नाम पर किस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे, बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे। ये जाकिर नाइक और तमाम इस तरह के जो इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी मौलाना है उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, ये पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे जहाँ से अमन और शांति आती है वहाँ उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, बल्कि ये भड़काने वाले कट्टरपंथी मौलाना को डिबेट से बाहर क्या कर रहे हैं, निकाले उन्हें, निकाले बाहर डिबेट से, सोच को बढ़ावा देने वाले लोग लोगों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। इस डिबेट से क्या काम है इसका जो अश्लील शब्दों का प्रयोग माजी दैदरी, निकालिए से बाहर पहले, फिर शब्दों का इस्तेमाल आपने भी किया माजी दैदरी, उन्होंने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं माफी मांगता हूँ पूरे देश से कि इन शब्दों का इस्तेमाल चैनल पे हुआ है। पर माजी दैदरी ये भी सोचिए ना, आप किस आदमी की किससे तुलना कर रहे हैं, एक कहावत है ना, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां भगोड़ा जाकिर नाइक और कहां देश का राष्ट्रपिता, लोग सुन के हंस रहे होंगे आपको, तेली बता रहे हैं, माजी दैदरी तुम कर हंस रहे होंगे, मेरा चैनल कॉमेडी चैनल बन गया होगा, सद्गुरु की तरह है दीपक भाई, जब आप उनका नाम मदर से लेते हैं तो हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम भी आदर से लीजिए, तो देश का संविधान सिखाता है कि हम सेकुलर भारत में रहते हैं जहां हर धर्म वाले की इज्जत बराबर होनी चाहिए। और जाकिर नाइक ने देश का कानून क्यों तोड़ा, भाग क्यों गए, जाकिर नाइक जैसे लोग यजीद हैं, आज के यजीद हैं, ये यजीद को कहां से रहे इस डिबेट में,